प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारा जो है लिक्विड का वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज लोअर देन सॉलिड, यानी सॉलिड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अधिक होता है, उसके कंपैरिजन में लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। लिक्विड डू नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली, यानी लिक्विड से कंटेनर जो होता है वो कंप्लीटली फिल नहीं होता, उसको कुछ ना कुछ स्पेस बच जाता है। लिक्विड इवेपोरेट इजली, लिक्विड जो होता है वो जब हीट पड़ता है तो इजिली इवेपोरेट हो जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा है वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन है क्या तो बात करते हैं द प्रोसेस इन व्हिच लिक्विड चेंज इनटू वेपर बाय हीटिंग, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोरेशन, वेपोराइजेशन। यानी वेपोराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लिक्विड को गर्म करने पर लिक्विड वेपर बन जाता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेपोराइजेशन। जैसे हम देखते हैं वाटर को जब हम हीट कर रहे हैं तो हीट करने के बाद वाटर वेपर में चेंज करता है, तो ये प्रोसेस जो है आपका वेपोराइजेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इवेपोरेशन के बारे में, इवेपोरेशन होता क्या है, तो इवेपोरेशन जो है यानी भी प्रोसेस है द प्रोसेस इन व्हिच ए लिक्विड चेंज टू वेपर एट टेंपरेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी वैसे जो ऐसे लिक्विड जो अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम पर ही इवेपोरेट हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या है, ये भी एक प्रोसेस है जिससे लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम पर ही क्या होता है वेपर बन जाता है, तो ये है इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन जो है इंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्या है इंडोथर्मिक प्रोसेस है। और नेक्स्ट हम यदि बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे डिफरेंस के बारे में, यानी इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन के डिफरेंस के बारे में नेक्स्ट हम बात करेंगे तुरंत। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब जो हमें कंपेयर करना है, यानी इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन के बीच में जो कंपैरिजन करना है उस कंपैरिजन को हम देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। तो इवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेंपरेचर, ये किसी भी टेंपरेचर पर प्रोसेस कर सकता है, बट वेपोराइजेशन जो है एक निश्चित टेंपरेचर पर ही करता है। तो वेपोराइजेशन टेक प्लेस ओनली एट फिक्स्ड टेंपरेचर इज कॉल्ड, यानी सबने बॉइलिंग पॉइंट पर ही फिक्स होता है वेपोरेशन। इवेपोरेशन जो होता है आपका स्लो होता है और साइलेंट फिक्सेस होता है, ये दिखाई देता है किसी भी टेंपरेचर पर कभी भी इवेपोरेट होने लगता है। अगर हम बात करते हैं कि वेपोराइजेशन जो होता है वो फास्ट प्रोसेस होता है और वायलेंट होता है, ये पता चल जाता है कि हाँ इवेपोरेशन यानी वेपोराइजेशन जो होता है फास्ट और अधिक रहा है। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड व्हाइल स्पीड ह्यूमिडिटी और टेंपरेचर इन चीज, यानी जो हमारा इवेपोरेशन जो है इवेपोरेशन इन सारी चीजों पर, वो चाहे आपका लिक्विड का एरिया हो, लिक्विड का नेचर हो, वाइट वेलोसिटी हो, ह्यूमिडिटी परसेंट हो एयर में या एयर का टेंपरेचर, इन सभी चीजों पर डिपेंड करता है आपका इवेपोरेशन। वही चीज अगर हम बात करते हैं कि वेपोराइजेशन में, तो वेपोराइजेशन की तरफ देखते हैं तो यहां पर हम बात करते हैं कि वेपोराइजेशन जो होता है प्लेस करता है ओवर द इंटायर मास ऑफ द लिक्विड, पूरे मास ऑफ लिक्विड पर ये डिपेंड करेगा, यानी जब तक वो पूरा का पूरा गर्म नहीं हो जाता मास तब तक ये काम नहीं होता। द रेट ऑफ बॉइलिंग डज नॉट डिपेंड अपॉन, यानी कहने का मतलब है कि वेपोराइजेशन जो है वो सरफेस एरिया, विंड वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी, टेंपरेचर इन सब चीजों पर डिपेंड नहीं करता है। जब तक उसका पूरा होल मास गर्म नहीं हो जाता है हीटिंग से तब तक वो इवेपोरेट है, क्योंकि वो रीच करना चाहिए, रीचिंग द पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तक रीच करेगा वो लिक्विड, तभी जाकर वो वेपोराइज जो होगा वेपोराइजेशन उसका होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये सारे डिफरेंस है आपका इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन। बहुत सारे लोग समझते हैं कि दोनों एक ही चीज है, बट दोनों में काफी डिफरेंस है, वो चीज को हमने दिखा दिया है। अब नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे।